तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, अगर कोई भी बंदा एक सुपर बाइक लेने की सोचता है तो उसमें ZX10R का नाम सबसे पहला होता है। तो आखिर ऐसा है क्या ZX10R में जो कि लोग इसके पीछे इतना ज़्यादा पागल है? तो चलो इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि आखिर ZX10R में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं, इसको चलाना चाहते हैं और इस पर मर मिटते हैं भाई। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करी जाए तो इस बाइक की प्राइस बिल्कुल मस्त है और सुपर बाइक से, जैसे कि आपकी BMW थोड़ी सी महंगी आती है, उसमें आपको 22 से 25 लाख रुपए शायद तक खर्चे करने पड़ते हैं तब जाकर के आपको BMW S1000 RR मिलती है। लेकिन ZX10R की प्राइसिंग लगभग 17 लाख से शुरू होती है और 20 या 22 लाख तक आपको ये बाइक ऑन रोड मिल जाती है। तो ये एक मेन कारण हो सकता है ZX10R के इतने ज़्यादा पॉपुलर होने का। तो देखा जाए तो एक तरीके से इसको एक सस्ती सुपर बाइक भी आप कह सकते हो। तो ये अपने इंजन से 204 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ 114 NM का टॉर्क। इसमें आपको बहुत ही अच्छा एक्सेलरेशन मिलता है और टॉप एंड तो आपको पता ही है कि ये बाइक 299 टच कर जाती है बहुत ही जल्दी, और ये चीज़ बहुत ही अच्छी है ZX10R की। तो ये एक पॉइंट हो गया मान लो। और तीसरे पॉइंट की अगर बात करी जाए तो लुक के मामले में भाई ZX10R कहीं से किसी भी बाइक को आराम से बीट कर सकती है भाई। मेरे को S1000 RR से अच्छी ये बाइक लगती है और पहने के लिए V4 से भी अच्छी ये बाइक लगती है। यहाँ तक कि मैं कावासाकी H2 तक को नहीं ख़रीदता भाई अगर मेरे पास पैसे होते, क्योंकि मेरे को ZX10R का लुक ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो और एक पॉइंट ये हो गया। और एक पॉइंट की अगर बात करूं तो वो है इस बाइक की फ़ीचर्स। इस बाइक में आपको इतने सारे फ़ीचर्स मिलते हैं कि आपको अभी मैं अगर गिनाना शुरू करूंगा तो गिनाते गिनाते भाई बहुत देर हो जाएगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से जो है मैं आपको फ़ीचर्स वगैरह नहीं गिना रहा हूं, वरना थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो यही कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि ZX10R को और बाइक से थोड़ा अलग बनाते हैं। मेरा ओपिनियन के बारे में आपका क्या ख्याल है ये मेरे को एक बार कमेंट करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।